Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, S.S. Khanna Girls' College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a very important educational thinker, that is Sri Aurobindo, and his views on education. I have already discussed very, very educational thinkers, where many educational thinkers like Gandhi ji's views on education, Vivekanand, Paulo Freire.

रीर फिलोसफर पोएट एंड इंडियन नेशनलिस्टेडी ऑफ डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ थ्रू स्पिरिचुअल ये एक योगी थे संत थे दार्शनिक थे कवि थे और भारतीय राष्ट्र राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने हिस्सा लिया था और इन्होंने एक फिलोसफी निकाली जिसमें इन्होंने कहा कि जो जो हमें जीवन मिला है ये इसी में हम जीवित रहते हुए भी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन करके डिवाइन लाइफ जी सकते हैं ये इनका जो व्यू पॉइंट था ये पिछले व्यू पॉइंट जो चला आ रहा था उससे कंट्रास्टिंग था जिसमें ये कहा जाता था कि मोक्ष के बाद आपको डिविनिटी मिलेगी ही डिवोटेड हिमसेल्फ फॉर इट्स लाइफ टू द डेवलपमेंट ऑफ हिज इंटीग्रल योगा विच वॉज कैरेक्टराइज बाई इट्स होलिस्टिक अप्रोच एंड इट्स एम ऑफ ए फुलफिल्ड एंड स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म लाइफ ऑन अर्थ

और हेल्थ, इन इस हायर इस रियल गोल ऑफ क्रिएशन इन्होंने कहा कि हम अपने जीवन में हायर इवोल्यूशनरी स्टेजेस को पा सकते हैं जो कि हमारे क्रिएशन का रियल गोल है, है ना? और एजुकेशन पे ये क्या कहते हैं एजुकेशन पे जो इनका मत था वो पुराने ट्रेडिशनल अप्रोचेस से बहुत भिन्न था इन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल इन्फॉर्मेशन एक्वायर करना नहीं है बल्कि जो हमारे मन, मन मस्तिष्क और आत्मा की पावर्स का विकास करना है वो आ, अपने हृदय से आदर्शवादी थे उन्होंने कहा कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिस जो कि भारतीय हो भारतीय सोल भारतीय टेम्परामेंट और भारतीय कल्चर के हिसाब से हो हम आ, ऐसा ना हो कि बस हम पुराने अपने केवल पास्ट से जुड़े रहें बल्कि हमको डेवलपिंग सोल ऑफ इंडिया और उसके फ्यूचर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी शिक्षा चाहिए उन्होंने कहा <coughs> उनका मेन मोचो था कि जो पश्चिमी तार्किक बात है उसको हम पूर्वी मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा से जोड़ सके इसका उनका प्रयास था उनका उद्देश्य था <coughs> और उन्होंने अपने विचारों में इंटर को समाहित किया उन्होंने पॉलिटिकल साइंस शिक्षा समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और दर्शन के विचारों को अपने विचारों में शिक्षा के विचारों में समाहित किया इसके अलावा वो कहते थे वो चूंकि चार्ल्स ड्राविन से प्रभावित थे तो ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते थे ग्लोबल फ्यूचरिज्म की बात करते थे उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य को डायनेमिक बनाए यानी कि हम अपने जीवन में जैसे जैसे जो सिचुएशन आती रहे उसके हिसाब से हम चैलेंजेस को फेस करने के काबिल बन सके और उनके हिसाब से शिक्षा के छह मेन एम थे हमारे फिजिकल डेवलपमेंट हमारी ट्रेनिंग ऑफ ऑल सेंसेज आपका मेंटल डेवलपमेंट मोरालिटी का डेवलपमेंट कंसाइंस का डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि शरीर का विकास सारी ज्ञानेन्द्रियों का विकास मानसिक विकास आपका नैतिक विकास आपकी चेतना का विकास और आध्यात्मिक विकास ये उनके हिसाब से शिक्षा के उद्देश्य थे और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उनसे जुड़ा हुआ है वो इंटीग्रल एजुकेशन है जैसे कि विवेकानंद जी से मैन मेकिंग एजुकेशन जुड़ा है गांधी जी से बेसिक एजुकेशन जुड़ा है टिकोर से आपका इंटरनेशनल ब्रदरहुड या इंटरनेशनलिज्म जुड़ा है रूसो से नेचुरलिज्म जुड़ा है उसी तरह से और जी से इंटीग्रल एजुकेशन जुड़ा है उन्होंने कहा कि शिक्षा एकीकृत होनी चाहिए और पांच प्रमुख प्रमुख्स की उन्होंने बात की कौन से पांच प्रमुख आस्पेक्ट्स हैं फिजिकल वाइटल मेंटल साइकिक और स्पिरिचुअल और ये क्रोनोलॉजिकली भी बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले व्यक्ति के फिजिकल डेवलपमेंट होता है फिर उसका वाइटल डेवलपमेंट फिर मेंटल फिर साइकिक और स्पिरिचुअल एक तरीके से हाईदार है स्पिरिचुअल जो है हाइएस्ट अटेनमेंट ऑफ एजुकेशन है फिजिकल में यानी कि आपके फिजिक का विकास होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे कहते हैं ना मन मन आपका सबसे पहले आपका शरीर विकसित होगा तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे और सबसे आगे आपको योग साधना करना है तो वो दुर्बल शरीर में नहीं हो सकता है उन्होंने कहा कि ऑर्डर डिसिप्लिन और प्रोसीजर से गवर्न होना चाहिए आपका शरीर और फिजिकल डेवलपमेंट के तीन मुख्य एस्पेक्ट उन्होंने बताए कि हमको बॉडी जो है हमारी उसको उसके फंक्शंस का कंट्रोलिंग और डिसिप्लिनिंग होना चाहिए यानी कि वो नियंत्रण में रहें और अनुशासित रहें जितने पार्ट्स और मूवमेंट्स है बॉडी का उनका हार्मोनियस डेवलपमेंट होना चाहिए जितने deform, कोई भी शरीर में डिफॉर्मिटी या डिफेक्ट या दोष है उसका रेक्टिफिकेशन या उसका निस्तारण होना चाहिए वाइटल वाइटल से मतलब यहाँ पे जैविक शिक्षा से मतलब जैविक इन द सेंस की जो शरीर की ऊर्जा है जो वाइटलिटी है जो जीवित रखने के लिए जरूरी है वो वाइटल है और वाइटल का मतलब है कि आपके 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 अंदर एनर्जी, आपके अंदर जोश, आपके अंदर अंदर शक्ति एनर्जी जोश इफेक्टिव डायनेमिज्म के लिए जरूरी है और उन्होंने कहा कि इसमें क्या होगा कि विकास हो आपके शरीर का और आप अपने सेंस का बेहतर यूज कर सकें फिर मेंटल एजुकेशन में वो कह रहे हैं कि पांच इसके फेजेस होने चाहिए पहले तो आपके अंदर कंसंट्रेशन की पावर डेवलप हो कैपेसिटीज को आप अपने एक्सपैंड कर पाए आपके अंदर जो आइडियाज हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन की पावर हो कि एक सेंट्रल आइडिया के अराउंड हम अपने सारे आइडियाज को ऑर्गेनाइजेशन कर सकें हम थॉट कंट्रोल कर सकें नियंत्रण कर सकें अपने विचारों पर जो अनडिजायरेबल हैं, उनको निकाल सकें और सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है कि मेंटल साइलेंस का डेवलपमेंट अगर आप कर सकें तो ये मेंटल एजुकेशन है फिर इन्होंने कहा साइकिक एजुकेशन में कि जो एवरी ह्यूमन बीइंग कैरीज हिडन हिम बींग पॉसिबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर कॉन्शियसनेस क्योंकि देखिए मेन इनका लेना देना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से और ये कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर एक डिविनिटी का सेंस है हम ईश्वरीय गुण आपके अंदर है तो स्पिरिचुअल से पहले वाली स्टेट साइकिक है उन्होंने कहा कि ये समझना चाहिए कि ग्रेटर कॉन्शियसनेस आपके अंदर है जिसका लेना देना जीवन के बड़े प्रश्नों से है कि हम इस दुनिया में क्यों आए इस जिंदगी का क्या अर्थ है जब इस तरीके के सवाल आपके आपके मन में आने लगते हैं तो इसका मतलब एक साइकिक इंडिविजुअलिटी का डेवलपमेंट डेवलपमेंट हो रहा है 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 और और उसके बाद जो है, वो है। वो स्पिरिचुअल है एजुकेशन कि आपके अंदर सेल्फ सेल्फ को समझिए की डिस्कवरी ये आएगा कैसे उन्होंने कहा तीन, तीन स्पिरिचुअल साधना से अचीव कर सकते हैं फिर मदर टंग पे इन्होंने कहा कि फॉरेन लैंग्वेज जो है वो पीपल्स का अटेंशन डिस्ट्रैक्ट कर रही है और बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जब तक कि अब उसकी उनकी ऑब्जर्वेशन जजमेंट कॉम्प्रिहेंशन मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग की पावर खराब हो रही है इसलिए उन्होंने कहा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमेशा ही मदर टंग होनी चाहिए जिससे कि बच्चा जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेगा सब्जेक्ट को वो कैसे उसको समझ पाएगा इसीलिए उन्होंने कहा कि मदर टंग बेस्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है और वही भाषा में उसको पढ़ाया जाए जो उसकी मदर टंग है तो ये हमेशा से बात कही जाती रही है और इस वक्त इसलिए भी इसको जरूरी है कि चूंकि उस वक्त ब्रिटिशर्स थे उनका शासन था तो वो इंग्लिश इंपोज कर रहे थे उस जनमानस पे जिसके लिए इंग्लिश विदेशी भाषा थी नेशनल एजुकेशन सिस्टम इन्होंने बताया उन्होंने तीन प्रिंसिपल्स बताए हैं टीचिंग के नथिंग कैन बी टॉट

और करिकुलम की इन्होंने बात की कि करिकुलम ऐसा हो जो बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप करे जो उसका मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करे बच्चे को मोटिवेट करे नॉलेज अटेन करने के लिए और क्रिएटिविटी को और कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटीज को प्रमोट करे है ना तो ये सारी बातें मैं तो शॉर्ट में कर रही हूँ क्योंकि सब लिखा है आप इसे पढ़ के याद कर लीजिए अपने नोट्स बना लीजिए टीचर के रोल के लिए उन्होंने कहा कि चूंकि नथिंग कैन बी टॉट टीचर को इंस्ट्रक्टर या टास्क मास्टर नहीं बनना है उसका रोल सजेस्ट करने के लिए होना चाहिए ना कि इम्पोज करने के लिए मतलब हम बच्चे को सुझा दें कि तुम ये कर सकते हो ना कि ये कहें कि तुम ये करो उसके ऊपर इम्पोज मत कीजिए है ना वो कह रहे हैं कि वेन एवर देशन मेडिटेशन एंड डिस्कशन इट विल अवेक इंडिविजुअल्स माइंड विद इनलाइटनमेंट बच्चे को खुद से पढ़ने दीजिए दिस विल फर्दर बी डेवलप्ड बाय इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी डीप स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग और कंक्लूजन में उन्होंने कहा कि ये पेरेंट और टीचर का रोल होना चाहिए कि वो बच्चे को एजुके खुद से सीखने के लिए प्रेरित करें वो खुद स्वयं अपनी बौद्धिक नैतिक सौंदर्यात्मक और प्रायोगिक क्षमताओं का विकास कर सके और वो एक ऑर्गेनिक बीइंग के रूप में डेवलप हो ना कि एक इनर्ट प्लास्टिक मटीरियल के रूप में ये उन्हीं के कथन है तो इस तरह से मैंने आपसे श्री और भी डिस्कस कर लिया अहें तो ये कितना एक्सपेंड किया जा सकता है इनकी स्पिरिचुअल एजुकेशन पे लेक्चर पे लेक्चर हैं लेकिन आपके मतलब समझने भर के लिए आपके सवालों के उत्तर जानने के लिए कि योग और साधना से स्पिरिचुअलिटी को अटेंड किया जा सकता है इंटीग्रल एजुकेशन के पांच स्टेप हैं फिजिकल वाइटल मेंटल साइकिक स्पिरिचुअल मदर टंग की इम्फेसिस पे इम्फेसिस किया है करिकुलम कैसा होना चाहिए क्योंकि तीन प्रिंसिपल्स बताए हैं टीचिंग के नथिंग कैन बी टॉट माइंड हैज़ टू तो बी कंसल्टेड इन इट्स ओन ग्रोथ और फ्रॉम नियर टू फार एंड फ्रॉम नोन टू अर नोन तो इतना आई थिंक कि इन पर आधारित सवालों के जवाब देने के लिए पर्याप्त होगा वैसे इज द लिमिट पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए उसका कोई अंत नहीं है ठीक है सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन